नमस्कार दोस्तों, फैबुलस एकेडमी के वेब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन ने नंबर की दो एक्सरसाइज पहले कर ली थी, दो रूल्स अपन ने पढ़ लिए थे, दो वीडियोस में अपन ने 10 रूल पढ़े थे और उन 10 रूल पर आधारित सेंटेंस भी अपन ने सोल्व किए थे। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो रूल्स हैं उन रूल्स को, और उन रूल्स को किस प्रकार सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, उसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल को लेकर के, सिंगुलर से प्लूरल नंबर कैसे बनाया जाएगा, नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, वर्ब के रूप में उसका क्या यूज़ हो रहा है, नाउन के रूप में उसका यूज़ कैसे किया जा रहा है, तो देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको रूल नंबर 11 रीड आउट करिएगा। आपको स्क्रीन पर रूल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आप इन वर्ड्स को देखिएगा क्या है। नाउन एंडिंग इन IS, कुछ नाउन ऐसी हैं जिनकी एंडिंग में IS आता है, राइट। दैट चेंजेस इनटू ES, IS को ES में बदल करके प्लूरल बनाया जाता है, राइट फ्रेंड्स। जिन वर्ड्स के एंडिंग में IS हो उस IS को हटा करके ES लगा दिया जाता है, राइट। और ES लगाने से वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो पहला वर्ड आपके पास आ रहा, देखिएगा, बेसिस। क्या वर्ड है फ्रेंड्स, बेसिस, और बेसिस का अर्थ होता है एक आधार होना, राइट। बेसिस आधार को कहते हैं। तो यहां देखिएगा, जब अपन प्लूरल बनाते हैं तो जनरली अपन बोलते हैं कि मेरा बेस कमज़ोर है या इसका बेस ठीक नहीं है। वो बेस क्या है फ्रेंड्स, बेस शब्द यहाँ देखिएगा BASES, बेसिस, ध्यान रखिएगा BASIS में IS को हटा करके और ES जोड़ दिया तो शब्द बन गया बेसिस। अब आप देख रहे हैं कि बेसिस ये जो शब्द है ये सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स, एक वर्ड आपने देखा BASES, बेस, और बेस से आपने बोल दिया बेसिस, क्लियर। और एक वर्ड आपके पास बेसिस, क्या वर्ड है, बेसिस, और यहां बेसिस से क्या बन रहा है, बेसिस, और यहां भी क्या बन रहा है, बेस से बेसिस। ये बेस आधार के लिए ये भी, और ये इसका प्लूरल बना रहे हैं अपन ब्रिटिश मॉडर्न लैंग्वेज में, राइट। लैटिन वर्ड्स में क्या है, बेसिस का बेसिस बनता है, राइट। दूसरा वर्ड आपके पास थीसिस, थीसिस क्या होती है, शोध प्रपत्र जो होते हैं, रिसर्च पेपर जो होते हैं, ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो आपकी बुक होती है, जो सैद्धांतिक बुक होती है, उसको अपन थीसिस बोलते हैं, ठीक है, सार संग्रह होता है एक। तो थीसिस में देखिएगा IS लगा हुआ है, तो यहाँ इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो अपन बोलेंगे इसको थीसिस, IS हटा देंगे, THESES, थीसिस। क्या बन गया फ्रेंड्स, थीसिस, थीसिस से थीसिस, IS को हटाया, ES लगाया, राइट। क्राइसिस, किल्लत, तो क्राइसिस से क्या बन जाएगा, क्राइसिस। देखिए क्राइसिस क्या कहते हैं, किसी चीज़ की किल्लत होना या किसी चीज की कमी होना, ठीक है, नाउन के रूप में क्राइसिस है, इस चीज की किल्लत हो रही है, इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। इलिप्सिस, इलिप्सिस में देखो अंत में क्या आ रहा है, IS आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ES कर देंगे, तो ELLIPSES, एलिप्सिस, एलिप्सिस, एलिप्सिस। ई और ए का डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, ई और ए। ओएसिस से क्या बनेगा, ओएसिस, ध्यान रखिएगा ओएसिस, ओएसिस, ए का साउंड ले रहा है। मेट्रोपोलिस, तो मेट्रोपोलिसिस, यहां पोलिसिस, मेट्रोपोलिस में IS जो लगा हुआ है फ्रेंड्स, देखिएगा इस IS को अपन हटा देंगे और जोड़ देंगे ES, तो हो गया मेट्रोपोलिस, POLES, मेट्रोपोलिस, क्लियर। जब किसी भी वर्ड के एंडिंग में IS हो तो प्लूरल बनाने के लिए IS को हटाकर ES जोड़ देते हैं, राइट फ्रेंड्स। आपने क्या किया,
इन सभी वर्ड में जो आई एस था इस आई एस को हटाया और ई एस जोड़ दिया। जैसे ही आई एस को यहाँ से रिमूव करते हैं, बेस है तो बेस में ई एस जोड़ा, थीस टी एच ई एस, टी एच ई एस में ई एस जोड़ दिया, क्राइस में आई एस हटाया, ई एस जोड़ा, इलिप्स, इलिप्स में ई एस जोड़ा, ओएस, ओएस में ई एस जोड़ा, मेट्रोपोली, मेट्रोपोल के अंदर ई एस जोड़ा तो मेट्रोपोल्स। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। सिर्फ आपको रूल माइंड में रखना है, आई एस होने पर ई एस लगाना है, आई एस को हटाना है। क्लियर, नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा, नाउन एंडिंग इन यू एस ड्रॉप द यू एस एंड एड आई इन प्लूरल। जब कभी भी किसी वर्ड में किसी नाउन के एंडिंग में यू एस दिया हुआ हो, एंडिंग में US आ रहा है, तो US को क्या करना है, US को हटाना है और उसके स्थान पे I लिखना है। क्लियर फ्रेंड्स, US को हटा के I करना है। तो देखिएगा आप, एलुमिनस, एलुमिनस को जैसे ही अपन यहाँ से US को हटाएंगे तो बन जाएगा एलुमिनी, एलुमिनी, एलुमनी, A-L-U-M-N-I, एलुमनी, जो वार्षिकी जो सदस्य होते हैं, एलुमिनी को कहते हैं सदस्य, राइट। एलुमिनस एक सदस्य, जैसे एक संगठन होता है, ग्रुप होता है, उसको एलुमिनस बोलते हैं, तो उस एलुमिनस एक व्यक्ति विशेष को एलुमिनस बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो उसको एलुमिनी बोलेंगे, राइट। जैसे आपने देखा होगा एलुमिनी मीट होती है, राइट, एलुमिनी मीट। बैसिलस जो होता है कीटाणुओं को कहते हैं, बैसिलस किसको कहते हैं फ्रेंड्स, कीटाणुओं को कहते हैं, ठीक है। तो बैसिलस का जब प्लूरल बनाएंगे अपन तो क्या कहेंगे, बैसिलस से यूएस को हटा दीजिएगा और बैसी लस में यूएस हटा, आई लग दिया, बी ए सी आई डबल एल आई, बैसिली, बैसिलस से बैसिली। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है लोकस, लोकस में क्या है, यूएस को हटाइएगा और शब्द बन जाएगा एल ओ सी आई। फ्रेंड्स आप को ये ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो ये समझ बैठते हैं कि लोकस में एस लगा हुआ है, बैसिलस में एस लगा हुआ है, एलुमिनस में एस लगा हुआ है, तो एस लग के तो प्लूरल नाउन बन गई, तो वह प्लूरल आएगी। तो माय डियर आप ध्यान रखिएगा, एलुमिनस ये सिंगुलर नाउन है, आई लगने पर ये प्लूरल बन रहा है, तो जब आई एलुमिनी, बैसिलस से बैसिली, लोकस से लॉकी, स्टूमुलस तो यह बन जाएगा स्टिमुली, एस टी आई एम यू एल आई, स्टिमुली। इसी प्रकार वर्ड आपके पास आ गया फोकस से फोकी, ध्यान रखिएगा, फंगस से फंगी, शब्द है रेडियस से रेडी, रेडी रेडियस त्रिज्या को कहते हैं, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा रेडियस त्रिज्या होती है, फंगस जीवों को कहते हैं, फोकस प्रतिबिंबित करना किस चीज़ को, प्रकाशित करने को कहते हैं, स्टिमुलस संवेदना के लिए आता है, लोकस बैसिलस एलुमिनस ये जो वर्ड्स हैं इन सभी में यूएस आ रहा था। इधर देखिएगा सिलेबस, सिलेबस में देखिएगा अंत में यूएस है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, सिलेबस में क्या बन जाएगा, स्लेबी, सिलेबस का स्लेबी, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई, एन यू सी एल ई आई, न्यूक्लियाई केंद्रक को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स आपके पास दो वर्ड्स है जिसको पहले से ही लिखा हुआ है, इसका प्लूरल जीनस, जीनस और दूसरा वर्ड है जीनेरा, जीनस से जीनेरा बनता है और जेनी से जेनी बनता है। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप अच्छी तरह से ध्यान रखना इन वर्ड्स को, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जीनस का प्लूरल जेनी नहीं होता फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, अक्सर गलती कर लेते हैं, कैसे गलती करते हैं, जी ई एन यू एस, रूल ये कह रहा था कि जब किसी वर्ड में यू एस हो तो जैसे जी ई एन यू एस है जेनस, इस जेनस में क्या करेंगे, यूएस को यदि हटाते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास वर्ड क्या बनता है, जी ई एन आई, राइट, जेनी बनता है। अब ये जेनस जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है प्रजाति, जेनस शब्द का अर्थ हिंदी में क्या होता है, एक प्रजाति होता है, एक वंश होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ध्यान रखिएगा कि जेनस से जेनी
नहीं बनता है, जेनेरा बनता है। क्या बनता है? जेनेरा। तो ये जेनस से जेनी नहीं बनेगा माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लीजिएगा। जेनस से जेनेरा बनता है, क्या बनेगा फ्रेंड्स? जेनेरा। ये क्या है? प्लूरल है। और ये क्या है? ये सिंगुलर है। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है आपको? जेनस से जेनी नहीं बनेगा क्योंकि ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जेनस से जेनेरा बनता है, इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। दूसरा वर्ड है जेनी। देखिए फ्रेंड्स, जेनी से यहाँ अंतिम ई जो एंडिंग में आया है, इस ई को हटा के आई कर रहे हैं। देखो, जेनी से ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये वर्ड प्लूरल है फ्रेंड्स, समझिएगा इसको। ये जेनी जो है और ये जेनी, जेनी जेनी, यहाँ आई का जो साउंड आता है, यहाँ ई का साउंड है, राइट। तो जेनी जो वर्ड है ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इसका जो मीनिंग है वो स्पिरिट होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्या होता है? स्पिरिट, आत्मा से लिया गया है। तो इसका जो प्लूरल होगा वो जेनी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सेंटेंस यदि आ जाता है जेनी से सेंटेंस बन के आ गया तो वर्ब सिंगुलर होगी प्लूरल होगी, कंफ्यूज हो जाते हैं। जेनी आ गया तो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ जेनी जो शब्द आया है इसमें ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। जीनस जिनेरा, जिनेरा क्या है? प्लूरल है, जबकि जीनस क्या है? सिंगुलर है। जीनस का तो आप यहाँ से समझ लेंगे यूएस के रूल से, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जिनेरा करेंगे, राइट। जीनस में आई नहीं लगेगा, जिनेरा, जबकि जेनी का क्या होगा? यहाँ आई ई है तो इसमें डबल आई, एंडिंग का जो आई है ई है उसको हटा के आई में चेंज कर लेंगे तो वर्ड बन जाएगा जेनी, जिसका मीनिंग होता है स्पिरिट के लिए। आई होप इट इज क्लियर फ्रेंड्स। ये जो रूल था, ये रूल आपको क्लियर हो गया, रूल नंबर 12। आगे बढ़े रूल नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट रूल देखिएगा फ्रेंड्स, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा, नाउन एंडिंग इन ओ फॉर्म द प्लूरल एडिंग ई। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लेटिन वर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां इसका ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, ये नाउन जो आई है वो सिंगुलर में है तो वर्ब कैसी होगी, ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी। तो फ्रेंड्स आप कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में आपको डेफिनेट 100% सक्सेस के लिए आपको ये पढ़ना होगा कि यदि वर्ड के एंडिंग में ओ है, ये लैटिन वर्ड है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इन वर्ड्स को अच्छी तरह माइंड बैठा लीजिएगा, बाकी सभी चीज़ें आपको आती हैं, आपको ध्यान में हैं कि वहाँ रूल क्या होगा, ओ आने पर क्या होता है, ओनली एस लगता है, ओ आने पर क्या होता है एंडिंग में, यदि मान लीजिए किसी भी वर्ड के एंडिंग में, यहाँ पर आपको ए ओ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ आपको ए पढ़ना है, इसको ये रॉन्ग है, क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है, क्लियर। ओ का रूल आपने पढ़ा था कि यदि किसी वर्ड के एंडिंग में ओ हो तो क्या करना है, एस भी लगता है और ई एस भी लगता है, राइट। उसमें हमने यहाँ पढ़ा था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लैटिन वर्ड वो ओ होने पर एस लेते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे थे जिनके साथ ई एस लेते थे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था टोर्नाडो, टॉर्पेडो, राइट, ठीक है। उसी प्रकार हमने पढ़ा फैटो, तो फैटो पी एच ओ टी ओ, फोटो में क्या था, सिर्फ एस लग रहा था। स्टूडियो, सिर्फ एस लग रहा था, क्लियर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही या ओ का जो जिसे अपन ने पढ़ा था टोरपेडो, तो टोरपेडो में क्या किया अपन ने, टोरपेडोज, एस जोड़ लिया था। उसी प्रकार हमने पढ़ा था स्टूडियो, तो स्टूडियो में क्या था फ्रेंड, ओनली एस, स्टूडियोज, क्लियर। तो ये रूल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारा जो रूल है वो ये है, नाउन एंडिंग ए, किसी नाउन के एंडिंग में क्या दिया है फ्रेंड्स, ए दिया हुआ है, उसका प्लूरल बनाने के लिए एंडिंग में क्या कर देंगे, ई जोड़ देंगे, क्लियर। क्या करना है, ई जोड़ना है। जैसे देखिएगा, शब्द है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का प्लूरल बनाने के लिए फॉर्मूलाज, और दूसरा वर्ड है फॉर्मूलाई, फॉर्मूलाई ऑफ फॉर्मूलाज। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में फॉर्मूलाज अगर दिया हुआ नहीं आता है तो वहां दिया हुआ गया फॉर्मूलाई,
तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा इसका, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर दूसरा वर्ड है नेबुला। नेबुला जो होता है रीढ़ की हड्डी का जोड़ जो होता है उसको नेबुला कहते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी का जोड़, रीढ़ की हड्डी का जो जोड़ होता है उसको नेबुला कहते हैं, ठीक है। बांस को भी कहते हैं। तो यहाँ नेबुला जो है इसमें देखिए एंडिंग में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका प्लूरल बनाएंगे तो आप क्या कह देंगे, नेबुलाज और नेबुलई, नेबुलई। अब आप फ्रेंड्स कंफ्यूज ये होंगे कि सर एग्ज़ाम में आए तो हम कौन सा राइट करेंगे, अगर वहाँ दिया हुआ गया कि फॉर्मूला का प्लूरल क्या होगा, नेबुला का प्लूरल क्या होगा। फ्रेंड्स आपको, आप डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपको सेंटेंस देगा और सेंटेंस में आपको क्या करना है, वर्ब देखनी है कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि वहाँ फॉर्मूला शब्द दिया है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। और यदि वहाँ फॉर्मूला ही दिया हुआ है या फॉर्मूलाज दिया हुआ है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। अब जनरली क्या होगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूलाई और फॉर्मूलाज में आपको फॉर्मूलाज दिया हुआ नहीं आया और फॉर्मूले आ गया, या क्वेश्चन दिया गया सेंटेंस, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव रिटन मैनी ब्लैंक्स फुल स्टॉप, और कॉस्टिक में दिया गया फॉर्मूलाज और दूसरा वर्ड है फॉर्मूलाई। अब फ्रेंड्स आपके पास यहां सेंटेंस में दोनों चीजें दे दी हैं, फॉर्मूलाज भी दे दिया, फॉर्मूलाई भी दे दिया। आप क्या करेंगे एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि फॉर्मूलाज आएगा या फॉर्मूलाई आएगा, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा फॉर्मूलाज नहीं है वहां, फॉर्मूलाई को राइट माना जाएगा क्योंकि लैटिन वर्ड है, राइट। आपका फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाई, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या है, दोनों चीजों के बारे में कहा जाता है कि फॉर्मूलाज भी प्रचलित है और फॉर्मूलाई भी है। बट फ्रेंड्स एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको एग्जैक्ट जो है वही राइट करना है, तो एग्जैक्ट क्या है, फॉर्मूलाई, राइट। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, वर्टेब्रा। वर्टेब्रा से क्या बनेगा फ्रेंड्स, देखिएगा वर्टेब्रा से वर्टेब्रई, वर्टेब्रा से वर्टेब्रई, वर्टेब्रा, वर्टेब्रई, वर्टेब्रई। देखिएगा फ्रेंड्स वर्टेब्रा, वर्टेब्रई, आर ए, वर्टेब्रा ई जोड़ दिया तो वर्टेब्रई बन गया, राइट। वर्टेब्रई किसको कहते हैं, जीवाणुओं को कहते हैं, क्लियर। तो ये वर्टेब्रई जो शब्द आया हमारे पास में, यहां पर क्या है, इसमें ई जोड़ा है अपने, ठीक है। नेबुलई, फॉर्मूलाई सेंटेंस में अप्लाई करके देखा आपने किस प्रकार से बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर्मूलाई, नेबुला नेबुलई, वर्टेब्रा वर्टेब्रई, क्लियर फ्रेंड्स किस प्रकार से करना है सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिएगा, कंपाउंड नाउन ओनली द लास्ट वर्ड इज मेड प्लूरल। ये कुछ कंपाउंड नाउन है, लास्ट वर्ड जो इनका है उसका प्लूरल बनेगा, फर्स्ट वर्ड का प्लूरल नहीं बनेगा। कैसे फ्रेंड, देखिएगा यहां आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है बॉयफ्रेंड, क्लियर। ये कंपाउंड नाउन है फ्रेंड्स, क्योंकि बॉय भी एक नाउन है और फ्रेंड भी एक नाउन है, दोनों नाउन है। इन दोनों नाउन को जोड़ करके और एक कंपाउंड नाउन बन गई, क्या बन गया फ्रेंड्स, कंपाउंड नाउन बनी है। इस कंपाउंड नाउन को जब हम सेंटेंस में इसका प्लूरल बना रहे हैं तो देखिए क्या कहेंगे, बॉयफ्रेंड से क्या बन जाएगा, बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स। अब देखिए अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, बॉयफ्रेंड बॉयज फ्रेंड, तो बॉयज फ्रेंड नहीं होता माय डियर, बॉयफ्रेंड्स होता है, बॉयज फ्रेंड नहीं होता, बॉयफ्रेंड्स होता है, क्लियर। यहां इस चीज को आप समझिएगा कैसे है, बॉय एक नाउन है, फ्रेंड भी एक नाउन है, क्लियर फ्रेंड्स, बॉय भी एक नाउन है, फ्रेंड भी एक नाउन है। बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज होता है, ठीक है। फ्रेंड का प्लूरल क्या होगा, फ्रेंड्स होगा, ठीक है, फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसको जब दोनों को जोड़ दिया जाता है
तो कंपाउंड नाउन बनी, तो ये बॉय भी एक नाउन थी, फ्रेंड भी एक नाउन था, लेकिन दोनों जुड़ने पर पहला वर्ड किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है, और दूसरा वर्ड नाउन का काम कर रहा है। समझिएगा फ्रेंड्स, यहां पर बॉयफ्रेंड, बॉय फ्रेंड, यहां पर दोनों को जब कंपाउंड बना लेते हैं तो एक उसका एडजेक्टिव की भांति काम करता है और दूसरा इसका नाउन की भांति काम करता है। इसलिए नाउन का प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बॉय फ्रेंड्स बन जाएगा, बॉय फ्रेंड्स बन जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की भांति कार्य करेगा, जबकि यहां बॉय फ्रेंड्स में फ्रेंड जो शब्द है ये एक नाउन की भांति कार्य करेगा। तो प्लूरल जो बनाया जाएगा वो नाउन का प्लूरल बनेगा, नाउन विल बी प्लूरल, विल बी इन प्लूरल फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई आपको कि यहां पर बॉय का बॉयज होता है, फ्रेंड का फ्रेंड्स होता है, राइट? बॉय फ्रेंड बॉयज फ्रेंड्स, तो बॉय में बॉयज फ्रेंड्स क्यों नहीं हुआ, दोनों का नाउन क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां बॉयफ्रेंड में बॉय एक एडजेक्टिव की भांति कार्य करेगा, आगे एक फ्रेंड वर्ड है ये नाउन रहेगा, दोनों को जोड़ा है अपन ने, कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ नाउन का प्लूरल बनाने के लिए क्या होगा, नेक्स्ट जो एंडिंग लेटर है, एंडिंग वर्ड है, उसका प्लूरल बना दिया जाएगा। तो देखिएगा बॉयफ्रेंड में बॉयज फ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो गया, नेक्स्ट क्या देखिएगा, क्लोज अप। फ्रेंड्स यहाँ भी देखिएगा आप इसको, क्लोज अप में आप सिंपल सा समझें कि क्लोज अप जो शब्द है यहां क्लोज एक वर्ब, अप क्या है, एक प्रेपोजिशन। समझना फ्रेंड, यहां पर वर्ब और प्रेपोजिशन की बात की आपने यहां, लेकिन दोनों मिलकर के एक नाउन बन जाती है, दोनों मिलकर के क्या बन जाती है, नाउन बनती है, और नाउन बनने के कारण क्लोज अप्स का क्या होगा, क्लोज अप्स होता है। क्या बनेगा फ्रेंड्स, क्लोज अप्स बनेगा, क्लोजेज अप नहीं बनेगा। ध्यान रखना, क्यों नहीं बनेगा, क्लोज एक वर्ब है, यदि मैं क्लोज के साथ एस या ईएस जोड़ देता हूं तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी। बात समझ आ रही है, क्या बन जाएगी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी। आगे देखिएगा टेक ऑफ, टेक ऑफ में भी क्या है, टेक एक वर्ब है, प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ ऑफ जोड़ा है, तो ये ऑफ, टेक ऑफ लगने पर एक नाउन का कार्य कर रहा है, तो यहां भी इसका प्लूरल जो आप बनाएंगे वो प्लूरल फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, टेक ऑप्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेक ऑप्स बन जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, टेक ऑप्स क्यों बन रहा है। रूल आपको सिंपल से याद रखना है, एक अगर किसी वाक्य में, किसी वर्ड में एक वर्ब दे रखी है, उसके बाद में एक प्रेपोजिशन दे रखी है, तो जो वर्ब है अगर हम उसके साथ एस एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, सिंगुलर फॉर्म आ जाएगी ना, इसलिए आगे जो प्रेपोजिशन का रूप दे रखा है उसके साथ में, उसके आप एस या ई एस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, कंपाउंड नाउन हो जाएगी और प्लूरल फॉर्म चला जाएगा। देखिएगा फाउंटेन पेन, यहां देखिए फ्रेंड्स फाउंटेन भी क्या है, एक नाउन है, और पेन भी क्या है, एक नाउन है, तो फाउंटेन पेन में, फाउंटेन पेन कौन सा पेन, कौन सा पेन, फाउंटेन पेन, तो ये एक एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है फ्रेंड, ध्यान रखना, किसकी भांति, एडजेक्टिव, जैसे मैंने यहां बॉयफ्रेंड में समझाया था आपको, सेम वही कंडीशन यहां है, तो यहां भी क्या होगा, फाउंटेन पेन्स, फाउंटेन पेन्स होगा, ये एडजेक्टिव चला जाएगा, ये इसका हेड वर्ड रहेगा नाउन। ठीक, अब देखिएगा ग्रोन अप, ये वर्ब का रूप है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स, आपका कभी गलत नहीं होगा वर्ड, ध्यान रखिएगा सिंगुलर से प्लूरल, क्योंकि आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले वर्ब है, वर्ब में प्रेपोजिशन लगी है क्या, तो वर्ब में प्रेपोजिशन लगी है तो वर्ब में एस लगने पर क्या हो जाएगी, सिंगुलर, तो इसलिए क्या होगा, एंडिंग में लगाना है, ग्रोन अप्स। ब्रेक डाउन, ब्रेक वर्ब है, डाउन प्रेपोजिशन है, तो बन जाएगा ब्रेक डाउन्स, कंपाउंड नाउन बन गया फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आगे है फॉरगेट मी नॉट, देखिएगा फ्रेंड्स फॉरगेट क्या है, एक वर्ब है, मी प्रोनाउन है, नॉट एडवर्ब है, लेकिन फॉरगेट मी नॉट, यहां फॉरगेट मी नॉट जो वर्ड है ये एक फूल के लिए आता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स यहां पर, इसलिए फॉरगेट मी नॉट एक नीला फूल होता है, नीला फ्लावर होता है, उसके लिए आता है, तो पूरा एक नाउन है, और जनरली अगर हमें इसका मीनिंग नहीं आ रहा हो तो भी आप इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। कौन सा रूल है, देखो मी क्या है, प्रोनाउन का रूप है,
फॉगेट क्या है? एक वर्ब है, आगे नॉट एक एडवर्ब है। इसको कंपाउंड नाउन के रूप में काम में ले लिया गया तो इसमें क्या बन जाएगा? फॉगेट मी नॉट्स। बात समझ में आई फ्रेंड? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मी प्रोनाउन, फॉगेट एक वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, पूरे को कंपाउंड बोलेंगे। इसके साथ लगा देंगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगा, मी के साथ एस लगा नहीं पाएंगे, नॉट के साथ लगा देंगे तो पूरा का पूरा वर्ड एक क्वालिफाई हो जाएगा कंपाउंड नाउन का। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। स्टेप डॉटर, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा स्टेप डॉटर में स्टेप क्या है? एक एडजेक्टिव है और डॉटर क्या है? हेडवर्ड है। स्टेप डॉटर सौतेली बेटी, कौन सी सौतेली, राइट फ्रेंड्स? तो यहां ये एक एडजेक्टिव की भांति है फ्रेंड और ये एक नाउन है तो क्या बोलेंगे अपन? स्टेप डॉटर्स। स्टेप डॉटर्स मैड सर्वेंट, कौन सी सर्वेंट? अविवाहित सर्वेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अविवाहित सर्वेंट, ये मैड क्या है? एडजेक्टिव है, राइट, और सर्वेंट क्या है? नाउन है, तो बन जाएगा मैड सर्वेंट्स। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? कैसे रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन यहां पर? मैड सर्वेंट्स ये एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है, ये नाउन है, ये भी एक एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है। एडजेक्टिव नाउन होगा तो प्लूरल नाउन का बनता है कि एडजेक्टिव का बनता है? नाउन का बनता है माय डियर। आगे देखिएगा टच मी नॉट, यहाँ छुई मुई का जो फूल होता है उसको कहते हैं टच मी नॉट। टच एक वर्ब है, मी नॉट तो बन जाएगा टच मी नॉट्स, टच मी नॉट्स। फिर है गो बिटवीन, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर गो क्या है? वर्ब है, बिटवीन प्रेपोजिशन, तो क्या बन जाएगा? गो बिटवीन कहते हैं बिचौलिया को। किसको कहते हैं फ्रेंड? बिचौलिया, बिचौलिया। टच मी नॉट ये फूल है एक, कौन सा? छुई मुई, छुई मुई का फूल होता है फ्रेंड्स, तो गो बिटवीन बन जाएगा गव बिटवीन्स। इसी प्रकार वर्ड है देखिएगा वुमन हैटर, यहां ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखो वुमन हैटर, वुमन हैटर में वुमन क्या है और हैटर क्या है? हैट एक एडजेक्टिव फॉर्म है, राइट, और यहां इसको बना दिया नाउन। समझना फ्रेंड्स, वुमन हैटर महिलाओं से घृणा करने वाला, महिलाओं से घृणा करने वाला, किससे घृणा करने वाला? महिलाओं से। तो हैटर घृणा करने वाला, ये तो आपका नाउन फॉर्म में जाएगा ना, और ये वुमन अपने आप में नाउन है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव की भांति काम करेगा। किसकी भांति? एडजेक्टिव की भांति काम करेगा। तो देखिएगा ये एक एडजेक्टिव की भांति काम करेगा तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वुमन हैटर्स, वुमन हैटर्स। ध्यान रखना वीमेन हैटर्स नहीं होगा, ध्यान रखना इसको फ्रेंड्स, क्योंकि वीमेन बोलते ही तो वीमेन प्लूरल हो जाएगा, महिला विरोधी हैटर, तो हैटर की बात हो रही है। हेडवर्ड कौन है? कभी भी प्लूरल बनाने के लिए हेडवर्ड देख लीजिएगा आप इसका, तो हेडवर्ड कौन है? हैटर है। वीमन एडजेक्टिव भांति काम कर रहा है। अब देखिएगा फूट मैन, फूट मैन, मैन में देखिएगा फूट भी नाउन है, मैन भी नाउन है, राइट, तो फुटमैन जो वर्ड है इसमें हेडवर्ड कौन है? ये नाउन हेडवर्ड है, इसलिए इसका प्लूरल क्या होगा? फुटमैन। ध्यान रखिएगा मैन का प्लूरल बन जाएगा फुटमैन, राइट। पोस्टमैन कौन सा? देखिए कौन सा आदमी? कौन सा? फुट वाला आदमी, राइट, कौन सा? ये एडजेक्टिव बन रहा है। पोस्टमैन कौन सा मैन? पोस्टमैन, तो क्या बन जाएगा? पोस्टमैन। यहां देखिएगा वॉशर मैन, कौन सा मैन? वॉशर, तो बन जाएगा वॉशर मैन। यहां देखिएगा पिक मी अप, पिक मी अप क्या कहते हैं? नशीला पदार्थ होता है एक, मदिरा, नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ है, इसलिए पिक मी अप, पिक एक वर्ब है, मी अप तो क्या बन जाएगा? पिक मी अप्स, पिक मी अप्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड मेजर जनरल, तो मेजर माइनर एडजेक्टिव है और जनरल ये क्या है? नाउन है, तो बन जाएगा मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स।
फ्रेंड्स बात समझ में आ ना आपको कि इसमें आगे वाले का क्यों बन रहा है, पहले वाले का क्यों नहीं बन रहा? तो पहले वाला या तो एक वर्ब के रूप में है या एक एडजेक्टिव के रूप में है, क्लियर? ना उनका प्लुरल बनाना है। नोबल मैन, कौन सा मैन? नोबल मैन, राइट? तो यहाँ नोबल एक एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो बन जाएगा नोबल मैन। क्लियर फ्रेंड्स, रूल समझ में आ गया किस प्रकार से रूल अप्लाई किया गया है, इसका प्लुरल कैसे बना है, समझ में आ गई बात आपको? वर्ब एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन यदि एक नाउन बनती है तो ध्यान रखिएगा प्लुरल में क्या होगा, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस एस या ईएस। क्लियर फ्रेंड्स, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी एक एडजेक्टिव आ रहा हो और उसके बाद में नाउन आ रही हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव ऐसे कैसे आएगा प्लस जो नाउन होगी, ये नाउन क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, तीसरी कंडीशन क्या है, वर्ब आ रही हो प्लस प्रोनाउन है प्लस प्रेपोजिशन है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वर्ब है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, वर्ब ऐसे कैसे आ जाएगी, प्रेपोजिशन ऐसे कैसे आ जाए, प्रोनाउन ऐसे कैसे आएगा, प्रोनाउन ऐसे कैसे आ गया और यहां पर आपके पास प्रेपोजिशन ऐसे कैसे आ गई, तो प्रेपोजिशन के एंडिंग में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे, पहला वर्ड वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, तो यहां मैंने लिख दिया जी आर ओ डब्ल्यू एन, ग्रोन अप, तो ग्रोन वर्ब है, अप प्रेपोजिशन है, तो बन गया क्या, ग्रोन अप्स। दूसरा वर्ड आपके पास यहां आ रहा है एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यहां मैंने बोल दिया मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट, यहाँ इसमें एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैड सर्वेंट्स। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा पिक मी अप, तो क्या बन जाएगा, पिक मी अप्स। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई आपको रूल कैसा था, आगे बढ़ें नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल 14 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, कंपाउंड नाउन बोथ वर्ड्स नाउन आर मेड प्लूरल, दोनों ही नाउन प्लूरल बन जाते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, मैन सर्वेंट, अब देखिएगा कौन सा नौकर, आदमी नौकर। फ्रेंड्स यहां पर देखो विशेषता नहीं बता रहा हूं मैं, यहां डायरेक्ट व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना, कौन सा ऐसा नहीं है, नौकर कौन है, आदमी नौकर है, ध्यान रखिएगा, कौन कैसा से आंसर नहीं आ रहा है, कैसा से आंसर आए तब एडजेक्टिव है, ये तो कौन से उत्तर आ रहा है, तो कौन, तो मैन सर्वेंट, तो क्या होगा, मैन सर्वेंट्स। फ्रेंड ध्यान रखिएगा यहां पर दोनों नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, ये भी नाउन ही रहेगा और ये भी नाउन रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़िएगा, वुमन डॉक्टर, कैसी डॉक्टर, कैसी डॉक्टर, महिला डॉक्टर, कौन सी डॉक्टर, नहीं, डॉक्टर कौन है, महिला डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, पुरुष डॉक्टर है, कौन, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कौन से उत्तर आ रहा है, कैसा से नहीं आ रहा है, तो वुमन डॉक्टर, तो क्या बन जाएगा, वीमेन डॉक्टर्स। नेक्स्ट है लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड्स जस्टिसेस। इसी प्रकार नाइट टेम्पलर, तो नाइट्स टेम्पलर्स, नाइट टेम्पलर कहते हैं कानून की पढ़ाई करने वाले को। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लेफ्टिनेंट, नाइट टेम्पलर, कानून की पढ़ाई करने वाला, क्लियर, और लॉर्ड लेफ्टिनेंट ये क्या होता है, सैन्य अधिकारी, सैन्य अधिकारी। फ्रेंड ध्यान रखिएगा,
लेफ्टिनेंट जो वर्ड है इसका स्पेलिंग आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छी तरह से रिमाइंड कर ले बाई हार्ट कर ले, क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में आता है, लेफ्टिनेंट एल आई ई यू, ध्यान रखना लेफ्टिनेंट में एल ई एफ नहीं होता, ध्यान रखना कर्नल में सी ओ आर नहीं होता फ्रेंड, लेफ्टिनेंट कर्नल ये वर्ड बहुत बार पूछ जाते हैं, ब्यूरो, ठीक है, तो लॉर्ड लेफ्टिनेंट का प्लूरल यदि बनाएंगे तो लॉर्ड्स, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट्स, किन मैन, किन मैन तो किन्स मैन, किन्स मैन, फ्रेंड्स बात समझ में आ गई आपको, ये ऐसी नाउन है जिनके दोनों वर्ड प्लूरल होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 क्या कह रहा है देखिएगा, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, फर्स्ट नाउन इज मेड प्लूरल, जब नाउन प्लस प्रेपोजिशन आ रही हो, किसी भी नाउन में पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो क्या करना है, प्रेपोजिशन से पहले वाली नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, देखिएगा फ्रेंड्स, पासर बाई में क्या है, पासर एक नाउन है, बाई प्रेपोजिशन है, तो क्या बन जाएगा, पासर्स बाई, क्लियर, मैन ऑफ वॉर, ऑफ प्रेपोजिशन है तो बन जाएगा मैन ऑफ वॉर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, फादर इन लो तो क्या बन जाएगा, फादर्स इन लो, क्योंकि प्रेपोजिशन है फ्रेंड, ध्यान रखना, ओ प्रेपोजिशन है तो बन जाएगा कोर्ट्स ऑफ मेल, इसी प्रकार कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ, नाइट एरेंट तो देखिएगा नाइट एरेंट्स, नाइट्स एरेंट, नाइट्स एरेंट, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, नाइट एरेंट में प्रेपोजिशन तो नहीं आया है, फिर भी यहाँ पहले वाले वर्ड का ही क्या होता है, प्लूरल बनेगा, दूसरे वर्ड का प्लूरल नहीं बनेगा, अब यहाँ देखिएगा फादर इन लो, ब्रदर इन लो, मदर इन लो, कुछ भी आ जाए, राइट, अगर आप ध्यान रखिएगा, इन इन लो शब्द दिया हुआ है, क्या दिया फ्रेंड्स, इन लो, और इसके पहले कोई नाउन आ रही है, तो ध्यान रखिएगा इस नाउन को क्या बनाना होगा, प्लूरल बनाना होगा, क्लियर, बाकी वर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, बात समझ में आ गई, इसी प्रकार आपके पास में कोई भी प्रेपोजिशन आ रही है तो ये रूल अप्लाई कर लिया जाएगा, रूल समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको, ये 15 नंबर जो अपना रूल था, ये रूल ये कह रहा था कि प्रीपोजिशन से पहले, प्रेपोजिशन से पहले क्या है, नाउन है, और बाद में भी क्या है, नाउन है, तो पहले वाली नाउन को क्या करना है, प्रेपोजिशन से पहले वाली नाउन का प्लूरल बनेगा, आई होप इट इज क्लियर, तो ये सभी रूल थे आपके 15 रूल्स फ्रेंड्स, हमने नंबर के 15 रूल्स आज जो 10 से लेकर 15 रूल थे आज की इस वीडियो में अपन ने उन रूल्स को सबको देखा कि नाउन से पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो क्या होगा, नाउन से पहले वर्ब आ जाए तो क्या होगा, प्रेपोजिशन से पहले वर्ब आ जाए तो प्लूरल कैसे बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए नंबर से संबंधित जो एक्सरसाइज है और डिफरेंट डिफेंसेस की एग्जाम में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा आपके लिए, उन क्वेश्चंस की एक्सरसाइज लेके हम फिर से हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए हमारे साथ फेबुलस एकेडमी की वेब प्लेटफॉर्म पर, थैंक यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।